सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और ये देश पवित्र मक्का मदीना तेल और अपने शेखों की वजह से जाना जाता है। तो आज मैं आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सऊदी अरब में 25 साल से कम उम्र वाले लोग ज्यादा है। यहाँ पर हर 4 में से 3 लोग 35 साल से कम उम्र के होते हैं। यहाँ पर महिलाओं से ज्यादा संख्या पुरुषों की है। नंबर 1, सऊदी अरब के बुनियादी कानून ये बताते हैं कि पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है और ये देश इसी कानून के मुताबिक चलता है। नंबर 2, इस्लाम में मक्का और मदीना को 2 पवित्र शहर माना जाता है और गैर मुस्लिमों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। हर साल यहाँ पर दुनिया भर से बड़ी संख्या में मुस्लिम तीर्थयात्री आते हैं। सऊदी अरब इस यात्रा के लिए हर देश को स्पेशल कोटा देता है जिससे यहाँ आने वालों की संख्या को नियंत्रण किया जा सके। नंबर 3, सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी दी। 2011 में शेख अब्दुल्ला ने आदेश देकर म्यूनिसिपल इलेक्शन में महिलाओं के वोट डालने का रास्ता तैयार किया। नंबर 4, सऊदी अरब में पानी बहुत ही दुर्लभ चीज है और इसीलिए पानी यहाँ पर बहुत ही कीमती है। सऊदी अरब में एक्वेफर्स पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये अंडरग्राउंड बनाए हुए सबसे बड़े जलाशय है। यहाँ पर पानी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत समुन्द्र है। सऊदी अरब समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में कोई बड़ी नदी या झील नहीं है और यहाँ पर बेहद कम बारिश होती है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाले देशों में से है, इसलिए यहाँ पर तेल से ज्यादा पानी महंगा है। नंबर 5, सऊदी अरब में मौत की सजा देना बहुत ही आम बात है। मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सऊदी अरब 4th नंबर पर है। यहाँ पर सबके सामने गर्दन काट कर मौत की सजा देना बहुत ही आम बात है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सजा के चलते देश में सजा देने वालों की कमी हो गई थी। नंबर 6, सऊदी अरब में दशकों तक महिलाओं को काम करने की मनाही रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलाएं अपने मर्जी के मुताबिक काम कर सकती है। नंबर 7, सऊदी अरब में जादू टोने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ पर एक स्पेशल पुलिस की टीम है जो कि जादूगरों को ही पकड़ने का काम करती है। ऐसा करना देश में सबसे बड़ा अपराध है और इसकी सजा गर्दन काट कर दी जाती है और इसी वजह से इस देश में हैरी पॉटर मूवी को बैन कर दिया गया था। नंबर 8, 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर बैन लगा दिया। नंबर 9, सऊदी अरब में कारों के शौकीन बहुत लोग हैं और उन्होंने कारों का एक अलग खेल भी बनाया हुआ है। यहाँ पर सियाद ऊंट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार है। यहाँ पर हर रोज लगभग 100 से ज्यादा ऊंट बिकते हैं। नंबर 10, गैर मुस्लिमों को सऊदी नागरिकता की इजाज़त नहीं है। देश में गैर मुस्लिम धर्म का प्रदर्शन करना अपराध माना जाता है। नंबर 11, सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर गला काटना, हाथ पैर काटना और पत्थर मारने की सजा दी जाती है। इसे देश में गैर कानूनी नहीं माना जाता है। नंबर 12, सऊदी अरब में 2006 तक सरकारी इमारतों, सरकारी जगहों और एयरपोर्ट पर फोटोज लेना मना था और आज भी सऊदी अरब में कुछ जगहों पर फोटोज लेना मना है। सऊदी अरब में बहुत ही सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं और इसे तोड़ने वालों को बहुत ही भयानक सजा दी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और भी अमेजिंग फैक्ट और रहस्यमय वीडियोस को देख सकें।